अगर आप फ्राइड खाना खाकर बोर हो चुके हो तो आज ये नया रेसिपी ट्राई कर लेना। मटन नान चाप की रेसिपी है ये, या इसको नान सैंडविच भी बुलाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें एक प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम 2-3 मिनट तक सोटे कर लेंगे, जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तब तक जैसे हमारे प्याज थोड़े कलर चेंज कर लेंगे, हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसमें हम 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक सोटे कर लेंगे। इसको सोटे कर लेने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी आएगा इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कुछ देर तक भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 2 टमाटर को स्लाइस करके इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे स्वादानुसार। टमाटरों को अच्छी तरह से हमें इसमें गला लेना है। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं हमारे। अभी हम इसमें मटन को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटन को बॉईल करके इसको चंक्स में काट लिया है, क्यूब्स में काट लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें हम 3/4 कप मटन स्टॉक डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको उबाल आने देंगे। इसकी सीजनिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर नमक कम लगे तो इसमें डाल देना। इसको जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसमें रेड फूड कलर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसमें हम 1/2 लेमन जूस डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1 उबले हुए आलू को मैश करके इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम और फ्लेम को बंद कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। फिलिंग हमारा रेडी हो चुका है। इस फिलिंग से आप आराम से 8-10 नान सैंडविच बना सकते हो। यहाँ पे हमने रेडीमेड नान लिए हैं, इसको हम बीच में से स्लिट करके इसको खोल देंगे। तवे पे थोड़ा बटर लगाकर हम इसको थोड़ी देर सेक लेंगे। नान को हमें 2-3 मिनट तक इस पे सेक लेना है कि अच्छा सा बटर का टेस्ट आ सके इसके ऊपर। इसको हम पलटा देंगे कुछ देर के बाद। और इसको निकाल देंगे हम। इसके ऊपर हम फिलिंग को डाल देंगे। फिलिंग डालने में कंजूसी मत करना, इसमें अच्छे से फिलिंग भर देना है आपको। फिलिंग को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे नान के ऊपर। इसके ऊपर हम बारीक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। नान को हम बंद कर लेंगे दूसरे स्लाइस से, और इसको हम काट लेंगे। इसके 4 टुकड़े और कर हमारा लेंगे नान हम। सैंडविच तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।